हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एलसीएम क्या होता है। दोस्तों, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, एलसीएम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सभी एकेडमिक क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो बच्चों, एकेडमिक क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है कि सबसे पहले 15 और 20 को इस फॉर्म में लिखना होता है। फिर ये बताया जाता है, सबसे पहले लेते हैं 2। टू से कोई नंबर डिवाइजेबल है? हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं डिवाइजिबिलिटी। टू की डिवाइजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसके लास्ट में क्या है? 0। तो यानी ये नंबर 2 से डिवाइजेबल है। यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 15, ये 2 से डिवाइजेबल नहीं है, तो इसका 15 का 15 रहेगा। जो नंबर डिवाइजेबल नहीं होता उसे वैसे ही लिख देते हैं। ये 20 जो डिवाइजेबल कैसे हो सकता है? 10 टाइम्स। फिर इसको फिर से कोई नंबर 2 से डिवाइजेबल हो रहा है, तो इस ये वाला नंबर 10 2 से डिवाइजेबल हो रहा है, तो इसको 2 से फिर से डिवाइड कीजिए 15, ये 5। इनमें से कोई 2 से नंबर डिवाइजेबल नहीं हो रहा है, अगला नंबर कौन सा था? 2 के बाद 3। क्या इनमें से कोई 3 से डिवाइजेबल हो रहा है? यानी 15 3 से डिवाइजेबल होता है, तो 3 5 15, ये नंबर रहेगा 5। ये डिवाइजेबल नहीं है, तो जैसे तैसे रहेगा। अब इनमें से कोई सब 3 से भी नहीं हो रहा है, फिर अगला नंबर आता है 4, 4 से भी नहीं हो रहा है, तो अगला नंबर आता है 5, 5 से डिवाइजेबल है। तो ये इस तरह से, ये बेहतरीन है बच्चों, जो छोटे बच्चों को क्लासेस में सिखाया जाता है, एकेडमिक स्कूल में सिखाया जाता है। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही लॉन्ग मेथड है। हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जो बहुत ही सेकंड में इसका आंसर निकाल सकता है। 2 × 2 × 3 × 5, तो इसका एलसीएम कितना हो रहा है बच्चों? 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 32 = 60, यानी इसका एलसीएम है 60। अब बच्चों, हम लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 20। तो 20 का हम टेबल पढ़ेंगे। 20 × 20 = 20, 20 तो 15 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। अगला नंबर पढ़ेंगे 22 = 40, 40 आता है, ये भी नहीं आता है। 23 = 60, यानी 60 ये नंबर 15 के टेबल में भी आता है और 20 के टेबल में भी आता है। और ये सबसे छोटा नंबर ऐसा है जो कि 15 और 20 के टेबल में दोनों में आता है, यानी ये क्या हुआ? लीस्ट रोमन मल्टीपल, यही होता है एलसीएम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल 4 and 6, इसको कैसे निकालना है? इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 6। अब 6 का टेबल पढ़ना है हमें। 6 × 6, 4 के टेबल में नहीं आता है। 6 × 2 = 12, 4 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये हुआ इसका एलसीएम। बच्चों चलो, 3 नंबर करके देख लेते हैं। 5, 8 and 10, ये क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे? इसमें भी सबसे बड़ा नंबर देखना है, 10, 8 and 15, सबसे बड़ा नंबर है 10। तो 10 का टेबल पढ़ना है हमें बच्चों। 10 × 10, 5 के टेबल में आता है पर 8 के टेबल में नहीं आता है। अब 10 × 20, 5 के टेबल में 20 आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है। 10 × 3 = 30, ये भी 5 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है। 10 × 4 = 40, 40 5 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम इसका हुआ 40। अगला नंबर लेते हैं 10, 12 and 15, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 15, 15 × 15, ना 10 में आता है ना 12 में आता है। अगला नंबर इसका टेबल ड्रॉ पढ़ते हैं, 15 × 30, 10 में आता है लेकिन 12 में नहीं आता है। तो इस पर भी छोड़ते हैं, अगला नंबर पढ़ते हैं, 15 × 3 = 45, दोनों में से किसी में भी नहीं आता है। 15 × 4 = 60, 60 10 के टेबल में भी आता है, 10 × 3 = 60 होता है, 12 के टेबल में भी आता है, 12 × 5 = 60 होता है, और 15 के टेबल में तो आता ही है 15 × 4 = 60, यानी इसका एलसीएम कितना हुआ? 60। और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए नंबर लेते हैं 10, 20 and 30, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? तो 30, 30 का टेबल तो इजी होता है पढ़ने के लिए, 30 × 30, 10 के टेबल में आता है लेकिन 20 के टेबल में नहीं आता है। अगला नंबर पढ़ते हैं 32 × 60, 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में भी आता है। ये हुआ इसका एलसीएम। बहुत ही आसान है बच्चों, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए बच्चों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।